बरसात का मौसम है, लौकियों की भरमार मार्केट में तो है ही है। लौकी की आप दाल खाते हैं, लौकी का आप रायता खाते हैं, लौकी बहुत से प्रकार से और भी बनाते होंगे, लेकिन लौकी का गुलाब लच्छा एक बार ट्राई करके देखें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लौकी का लच्छा बनाने के लिए जो आपको सामग्री लेनी होगी, उसके लिए आपको 1 किलोग्राम लगभग 1 किलो लौकी लें, 250 ग्राम चीनी चाहिए होगी, 2 छोटे चम्मच गुलाब जल और आधी कटोरी बूरा, जो चीनी का बूरा होता है, पिसा हुआ चीनी, उसे बूरा कहते हैं, बूरा ले लीजिए सजाने के लिए, और गुलाब की पंखुड़ियाँ, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। आप बनाएंगे कैसे वो चलिए सुन लेते हैं। लौकी को धोकर छील लें और जुलियन पिलर से अच्छी तरह तैयार कर लें, जुलियन पिलर से लच्छे तैयार कर लें, यानी कि कद्दूकस कर लें आप लंबे लंबे, या इसके अलावा आप जो लंबा वाला मशीन आता है उससे लच्छे इसके निकाल लें, जैसा भी आपको ठीक लगता है। लौकी के बीच में सफ़ेद भाग को पूरी तरह से हटा दें, लच्छों को भी धो लें। चाशनी बनाने के लिए पैन में 1 कटोरी चीनी डालें और 1/3 कप पानी डालकर चीनी को पानी में घुलने तक पकने दें। अब लच्छों को डालकर चाशनी में 6-7 मिनट का पकाएं। इसके बाद फिर उनको पलट कर दूसरी तरफ से भी पकने दें। थोड़ी देर के बाद इन्हें फिर से पलट दें और चाशनी में गाढ़ा होने तक पकने दें। चाशनी के सूख जाने के बाद लच्छों को प्लेट में निकाल लें और अलग अलग करके ठंडा होने दें। अब थोड़ा गुलाब जल डालकर मिला दें और लच्छों को बूरा में लपेट दें, फिर गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दें। लौकी का गुलाब लच्छा तैयार है। इसको ट्राई कीजिए और बताइए स्वाद इसका कैसा लगा, कैसा पसंद आया आपको या नहीं पसंद आया। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। नए रहिए हमारे चैनल पे एक ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।